हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? तो मुझे तो कुकिंग के अलावा आई लाइक टू डू गार्डनिंग। तो आपको भी कभी ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत गार्डनिंग करना चाहिए? तो आप एक झाड़ तो लगा सकते हैं अपने बालकनी में या आपके घर के बाहर कहीं भी। तो अपने को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है ना अभी। ठीक, ओके, फिर आज की रेसिपी की तरह बढ़ते हैं। आज हम बनाएंगे बैंगन, स्टफ्ड बैंगन, भरा हुआ बैंगन। ये जो है तो उसके लिए लगेगा बैंगन, और ये है धनिया, थोड़ा सा धनिया लगेगा, दो कांदा, ये शिमला मिर्च, ये चार पांच लाल मिर्च, थोड़ा सा इमली, तेल, ये दो तेल है, सिंग तेल और राई का तेल है, और थोड़ा हल्दी और मिर्ची पाउडर, नमक लगेगा और थोड़ा सा गुड़। ये जो मसाला है इसको भून के, ये जो मिर्ची है इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके, और ये धनिया, धनिया जो है तो उसको थोड़ा फ्राई करके वो एक साथ पीसना है, इमली, मिर्ची और ये गुड़, अपना गुड़ जो है ये साथ में पीस के फिर हम देखेंगे कैसे बनाने का वो। हाँ, तो फिर मैंने ये जो बैंगन लिया था ना, तो मैंने उसको काटा है, देखो इस तरफ से ऐसा और फिर इस तरफ से ऐसा, तो दोनों साइड से अच्छा से मैंने इसको धो के इस तरफ से ऐसा और नीचे से वापस ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने काट के ये सब रख दिया है अभी, और थोड़ा कैप्सिकम, ये तो ऐसे ही डालेंगे टेस्ट के लिए, और ये कांदा काट के रखा है, और ये जो मिर्ची मैंने निकाला था, धनिया और मिर्ची, उसको थोड़ा सा अभी फ्राई करते हैं थोड़ा तेल में इस तरह से। ये देखो, ये अभी इसमें थोड़ा फ्राई करते हैं। ठीक है, एकदम जास्ती नहीं करना है इसको, थोड़ा गरम करने का है बस, और कुछ नहीं, नहीं तो फिर पूरा ब्राउन होता है वो मिर्ची और वो। अभी इसको हम निकालेंगे। तो अब मैंने ये निकाला है, ये फ्राई करके, अभी मैं इसमें और थोड़ा तेल डाल के, इसमें तेल डाल के वो कांदा जो मैंने काटा था ना, ये कांदा जो मैंने काटा इसको फ्राई करते हैं, इसको थोड़ा गुलाबी होने तक फ्राई कर देते हैं ऐसे। और ये जो मसाला मैंने फ्राई किया है वो इसमें अभी हम पीस देंगे इस गुड़ के साथ, ये जो गुड़ है 2 चम्मच गुड़ लिया है मैंने, और ये जो इमली है, इमली, ये सब इमली के साथ भी पूरा पीस देंगे इसको, और ये कांदा अभी गुलाबी होने तक 2 मिनट में हो जाएगा ये। हाँ, तो मैं अपना कांदा जो है ना वो अभी पिंक हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, तो मैं ये हल्दी और मिर्ची पाउडर डालती हूँ, और इसके बाद ये जो मसाला मैंने पीसा था मिक्सर में वो मैं डालती हूँ। ठीक
थोड़ा सा उसको ये करना है, और अपना थोड़ा नमक डालना है, जो अपने को जितना नमक लगता है ना उतना आप डाल दीजिए। तो उसके बाद ये थोड़ा फ्राई होएगा, मसाला ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमने वो मिर्ची और धनिया फ्राई करके लिया था ना। तो अब मैं ऐसे, ये देखिए, ये जो बैंगन है इसमें ऐसे डाल के दोनों साइड से ऐसे रख देती हूँ। ये देखो ऐसे, और बाद में ऐसे भर के साइड में आप रख दीजिए। और फिर वो मिक्सर जो है ना, मिक्सर में थोड़ा मसाला है वो, उसमें थोड़ा पानी डाल के आप साइड से छोड़ दीजिए, और उसको रख दीजिए पकने के लिए। हाँ, तो अभी अपना ये ब्रिंजल सब स्टफ करके हो गया है, देख लो आप, पूरा मैंने स्टफ कर दिया है मसाला। तो अभी जो मिक्सर में पानी था ना, वो अपने को थोड़ा सा साइड से, ये देखिए, इतना साइड से ऐसे छोड़ना है बस। और अपने ब्रिंजोल को एक लिड लगा के पकने देना है, ये जो लिड है ना उसको ऐसे पकने देना है, ठीक है। चलो तो फिर अपना बैंगन भरवा देखते हैं। ओ, अब हम डालेंगे ये शिमला मिर्च, और देख लेंगे ये पका है कि नहीं। अपना शिमला मिर्च डाल के थोड़ा सा इसको घुमा देंगे, और थोड़ी सी डालेंगे धनिया। ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना अपना बैंगन भरवा, ये देखो। शिमला मिर्च इतना पकना नहीं चाहिए, वो बस ऐसे ही अपना थोड़ा सा कंबाइन करती हूँ, ज़्यादा करके अपना बैंगन बहुत मस्त हो गया है। तो अपना बैंगन स्टफ्ड बैंगन रेडी है खाने के लिए। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये अपना बैंगन तैयार है खाने के लिए। थोड़ी सी धनिया डालो, जो भी बैंगन नहीं खाता है ना वो भी खाने लग जाएगा। आप बना के तो देखो, खा के तो देखो, बना के मुझे बोल दो कैसे बन गया है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो, अच्छा लगा तो कमेंट करो। अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हो आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।